आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 MIUI 12 थीम्स के बारे में। तो इन थीम्स में कुछ ना कुछ खास जरूर आपको देखने को मिलेगा। किसी का कंट्रोल सेंटर आपको काफ़ी पसंद आएगा, किसी का वॉलपेपर, किसी का आइकन पैक, किसी का एनिमेशन, किसी का चार्जिंग एनिमेशन, किसी की लॉक स्क्रीन। तो ये कुछ आपको स्पेशल फीचर देखने को मिलेंगे इन थीम्स में। तो अगर आपके पास Xiaomi Redmi का कोई मोबाइल है, उसमें अगर आप इन थीम्स को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अवतार चैनल। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों, यहां पर जो फर्स्ट थीम है, तो उसका नाम है स्माइलिंग आइज। इस नाम से आप थीम ऐप पर सर्च कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर अप्लाई होने के बाद मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाता हूँ। तो कैसा आपको लुक देखने को मिलेगा, एक तो क्लॉक विजेट आपको एक स्पेशल टाइप की देखने को मिल जाएगी, वॉलपेपर आपका वाइट कलर का है, और यहाँ पर आइकन पैक आपको काफ़ी पसंद आएगा। आइकन है जो कुछ आपको अलग ही तरह के देखने को मिलेंगे। और कंट्रोल सेंटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर काफ़ी हद तक डिफ़ॉल्ट ही है यहाँ पर, और नोटिफिकेशन स्टाइल भी इसी तरह से आप देखेंगे तो वो भी आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर इस थीम में जो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ ये लगी है कि काफ़ी मिनिमल सा जो लुक दिया गया है वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो अगर आपको वाइट बैकग्राउंड वाली थीम्स पसंद है तो आप इस थीम को ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लें अगर इसकी सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स में आप देखेंगे कि आइकन वगैरह आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात इस थीम की ये भी है कि ये डार्क मोड को सपोर्ट करती है। तो डार्क मोड ऑन होने के बाद आप देखिए इसका लुक कैसा हो जाता है। तो सेटिंग्स, डायल पैड, मैसेजिंग सब जगह आपको, और नोटिफिकेशन सब जगह आपका डार्क लुक आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस थीम की। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉक स्क्रीन पर इसका लुक कैसा है। तो लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको सेंटर में एक जो है सर्कल टाइप का देखने को मिल रहा है, और स्वाइप करेंगे अगर आप लेफ्ट साइड से तो आपको कैलेंडर दिख जाएगा। म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन आपको इस थीम में देखने को मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी बड़ा सा मतलब जो म्यूजिक पोस्टर है वो देखने को मिल जाता है। और आपको टॉप राइट में ये ऑप्शन मिलता है म्यूजिक को इनेबल करने का। और यहाँ पर मैं आपको चार्जिंग एनिमेशन भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो ये है इसका काफ़ी ज़बरदस्त चार्जिंग एनिमेशन, ये मुझे काफ़ी पसंद आया इस थीम के अंदर। तो लॉक स्क्रीन इसकी काफ़ी स्पेशल लगेगी। अब चलते हैं, बात करते हैं दूसरी थीम के बारे में। तो इसका नाम है दी विंड, इस नाम से आपको सर्च करना होगा। अब ये थीम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर आते हैं तो आपको एक तो क्लॉक विजेट में एनिमेशन देखने को मिलेगा, आइकन पैक आपको काफ़ी पसंद आएंगे। अगर कंट्रोल सेंटर की बात करें तो आपको येलो कलर का यहाँ पर एक्सेंट देखने को मिल जाएगा कंट्रोल सेंटर में, साथ ही ब्राइटनेस स्लाइडर का भी आप देख सकते हैं येलो में दिया गया है। नोटिफिकेशन स्टाइल आपको कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है, और आप देखेंगे कि जो वॉलपेपर है इसका वो आपको मोस्ट ऑफ प्लेसेस पर देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको वॉलपेपर बैकग्राउंड में नज़र आएगा। तो ये काफ़ी लुक इसका शानदार बना देता है। अब यहाँ डायल पैड में भी आप देखिए येलो कलर का एक्सेंट है, मैसेजिंग में भी आप देखेंगे वॉलपेपर बैकग्राउंड में और येलो कलर का एक्सेंट दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर लॉक स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन जैसा ही कुछ वॉलपेपर आपको लॉक स्क्रीन पर देखने को मिलता है, चार्जिंग एनिमेशन आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, टॉप पर क्लॉक विजिट है, और एक सेकेंड स्क्रीन पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, रिकॉर्डर है और यहाँ पर कैलकुलेटर भी है। तो लॉक स्क्रीन से ही आप इस तरह के शॉर्टकट को एक्सेस कर सकते हैं, और फ्लैश लाइट का भी एक आपको बॉटम में ऑप्शन देखने को मिलता है, और आपको जो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कलर्स V12 मोड, ये थर्ड थीम है, ये भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। पिछली थीम की तरह ही इसमें भी आपको काफ़ी शानदार लुक देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर आपको काफ़ी मिनिमल सा देखने को मिल जाता है, स्टेटस बार के आइकन चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पर आप आइकन देखेंगे तो पिछली थीम की तरह इसमें भी आइकन दिए गए हैं, और यहाँ क्लॉक विजिट में भी एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी थीमिंग की गई है इसमें, ब्लू कलर का यहाँ पर एक्सेंट दिया गया है, और ब्राइटनेस स्लाइडर आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन स्टाइल आप देखिए, यहाँ पर बैकग्राउंड में वॉलपेपर है, और यहाँ डायल पैड की बात करें तो डायल पैड भी आपका पूरा थीम्ड यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से मैसेजिंग में भी आपको काफ़ी अच्छी थीमिंग मिल जाती है। सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में भी आप देख सकते हैं वॉलपेपर बैकग्राउंड में है। तो दोस्तों, पिछली थीम और ये थीम मुझे काफ़ी पसंद आई है, क्योंकि जितना भी यूआई है, चाहे डायल पैड का हो, मैसेजिंग का हो, सेटिंग्स का हो, सब में आपको थीमिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह का बबल टाइप का चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ लुक है, होम स्क्रीन वाला वॉलपेपर है आपके पास। और यहाँ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट थीम की, तो इसका नाम है हॉरिजन। इस नाम से आपको सर्च करना पड़ेगा थीम ऐप पर। अब इसे भी अप्लाई करके आपको कंप्लीट लुक दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो वॉलपेपर काफ़ी शानदार सा ब्लू कलर का दिया गया है ग्रेडियंट, और यहाँ पर iOS 14 की तरह आपको क्लॉक विजेट देखने को मिल जाती है। कंट्रोल सेंटर यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, और नोटिफिकेशन स्टाइल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आइकन भी काफ़ी ज़बरदस्त दिए गए हैं, और अगर हम बात करें यहाँ पर क्लॉक विजिट की, तो क्लॉक विजिट चेंज नहीं होती है यहाँ पर, बस यहाँ पर जो भी क्लॉक विजिट में है वो चीज़ खुल के आ जाती है। डायल पैड का आप यूआई देख सकते हैं, और इसी तरह से मैसेजिंग का यूआई कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ बात कर लें सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स में आपको वॉलपेपर बैकग्राउंड में और कुछ इस तरह का लुक देखने को मिल जाता है। आइकन वगैरह थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं। अब यहाँ बात करें इसकी लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है कि आप लॉक स्क्रीन को चेंज भी कर सकते हैं, किस तरह की आपको क्लॉक विजेट वगैरह चाहिए तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको होम स्क्रीन का भी लुक चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको टॉप पर एक ऑप्शन दिखेगा, उससे ये आप चेंज कर पाएंगे। तो होम स्क्रीन की भी 3 स्टाइल हैं, जो भी आपको रखनी हो वो रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लास्ट थीम की, ये थीम भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। इसका नाम है ब्यूटिफिकेशन, तो ब्यूटिफिकेशन नाम से आपको सर्च करना होगा थीम ऐप पर। और इन थीम्स को सर्च करने से पहले आप रीजन जो है इंडिया रखिए, क्योंकि हो सकता है अदर रीजन पर ये आपको नहीं मिले। तो वॉलपेपर काफ़ी शानदार है, क्लॉक विजिट जो है वो आपको काफ़ी मज़ेदार मिल जाती है, और यहाँ पर कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर हम बात कर लें डायल पैड की, तो वो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। मैसेजिंग का लुक कुछ इस तरह से है, और यहाँ अगर हम बात करते हैं इसकी सेटिंग्स की, तो चलिए सेटिंग्स का भी लुक आपको दिखा देते हैं। तो आइकन, और इसके बाद आप देखिए सेटिंग्स, तो सेटिंग्स में आपके आइकन वगैरह चेंज हो गए हैं, और वाइट बैकग्राउंड पर कुछ यहाँ पर क्लॉक विजिट मुझे पसंद आई है इस थीम की काफ़ी ज़्यादा, और लॉक स्क्रीन सबसे ज़्यादा पसंद आएगी आपको, क्योंकि लॉक स्क्रीन पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको भर भर के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी जो है टाइल्स वगैरह आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, जिस तरह का भी आपको शॉर्टकट चाहिए हो, तो ये कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, जो कि अदर थीम्स में ये ऑप्शन जल्दी से देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह से आप लॉक स्क्रीन और होम जो लॉक स्क्रीन है उसकी भी स्टाइल मिल जाती हैं। क्लॉक विजिट आपको किस तरह की रखनी है, एनिमेशन चाहिए अगर आपको, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, और क्लॉक स्टाइल जो है, क्लॉक टेक्स्ट जो है, वो सब आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ लुक है इस थीम का। तो दोस्तों, ये थी टॉप 5 बेस्ट MIUI 12 थीम्स, जो कि आप अभी ट्राई कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई थीम आपको ज़रूर पसंद आई होगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो
लेके आता रहता हूँ।